हाँ तो भाई, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही, जिसके पहले 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और पहले जो 2 मुकाबले खेले गए हैं वो अफगानिस्तान की टीम ने जीत लिए हैं। अफगानिस्तान की टीम 2 मुकाबले जीतने के साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर चुकी है। अब 3 मैचों की जो वनडे सीरीज का इन दोनों टीमों के बीच में आखिरी वनडे मुकाबला 22 तारीख को खेला जाएगा। पहले जो 2 मुकाबले खेले गए हैं उन दोनों के दोनों मुकाबले में हम लोगों ने गजब की विनिंग की है और ये जो तीसरा ओडीआई मुकाबला होने वाला है ये मुकाबला भी फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बड़ा मैच रहेगा। खास करके जो लोग जीएल खेलना चाहते हैं, जो लोग ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं, उनके लिए मुकाबला बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इस मैच की बात करें तो एक तरफ अफगानिस्तान आपको नजर आएगी, एक तरफ साउथ अफ्रीका, तीसरा ओडीआई मुकाबला है। 22 सितंबर को मैच खेला जाएगा। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 5:30 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। वेन्यू की बात करें तो मुकाबला वहीं पर खेला जाएगा जहां पर पहले 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, यानी कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम इसका एक बार फिर से वेन्यू रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जब हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे, जीएल की टीम बनाएंगे, तो उसमें किन किन खिलाड़ियों को हमको लेना है, किस खिलाड़ी को कप्तान करना है, क्या सेकेंड मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी गुरबाज का शतक आ जाएगा, राशिद खान क्या फिर से 5 विकेट निकाल सकते हैं, इसके अलावा क्या खरोटे को यहां पर फिर से 4 विकेट मिल सकते हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से इस तीसरे ओडीआई मुकाबले में कौन से खिलाड़ी होंगे जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग किस खिलाड़ी को कप्तान बनाओगे ग्रैंड लीग की टीम में, किस खिलाड़ी को कप्तान बनाओगे हेड टू हेड की टीम में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस मैच के लिए मैं लाइव भी आने वाला हूं, ठीक है। 5:30 बजे मैच शुरू होगा, उससे 2 घंटे पहले मैं लाइव आ जाऊंगा। तो अगर आपको मेरे साथ लाइव में जुड़ना है, लाइव टीम देखनी मेरी, तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर मैं लिंक दे दूंगा लाइव का, जिससे आप लाइव में जुड़ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा ही पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं और आज भी पिच रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे। यहां पर भाई देखो, 243 मैच हुए हैं ओडीआई के, 133 मैच पहले और 108 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 231 है, सेकंड इनिंग की बात करें यहां पर 194 है। लास्ट 10 मैचों में यहां पर देखो 67 विकेट पेसर ने निकाले हैं, बाकी 55 विकेट यहां पर जो है स्पिनर्स को मिले हैं। हाईएस्ट टोटल यहां पर 364 बना है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ। लोएस्ट यहां पर 58 है, हाईएस्ट चेज यहां पर 285 हुआ है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात कर लें तो 150 से नीचे का स्कोर 278 बार है, माफ कीजिएगा 200 से नीचे का स्कोर यहां पर 78 बार है, 200 से 249 के बीच का स्कोर 75 बार बना है, 250 से 299 के बीच का स्कोर 70 बार बना है और 300 से ऊपर का स्कोर यहां पर 19 बार बन चुका है। तो ये विकेट जो ओवरऑल रहेगी यहां पर, आप देखो बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है। लास्ट मैच में भी आपने देखा कि 300 प्लस स्कोर बना। इस क्लब पेस और स्पिनर्स का भी रेशियो यहां पर भाई इक्वल ही रहता है लगभग, हालांकि थोड़ा ज्यादा पेसर्स को विकेट मिलते हैं, बट लास्ट मैच में आपने देखा किस तरीके से राशिद खान ने 5 विकेट निकाले, खरोटे ने विकेट निकाले, मतलब स्पिनर्स भी यहां पर अच्छे खासे विकेट लेकर के जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि किसी मैच में होता है कि पेसर्स को ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, किसी मैच में होता है कि स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, बट ये तीसरा मैच है और यहां पर मेरे हिसाब से देखिए बैलेंस विकेट रहेगी, जिसमें आपके पेसर्स भी विकेट निकाल रहे हैं, जिसमें आपके स्पिनर्स भी विकेट निकालेंगे, तो एक बैलेंस टीम बनाकर चलेंगे हम। तो विकेट जो ओवरऑल रहेगी वो बल्लेबाजों को मदद कर रही, पेसर्स को भी हेल्प रहेगी, इसके अलावा स्पिनर्स को भी यहां पर हेल्प मिलने वाली है। आगे बढ़ते बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू की। लास्ट मैच यहां पर देखिए 20 तारीख को हुआ था, अफगानिस्तान आपकी 310 बनाती, साउथ अफ्रीका 134 पर ऑल आउट, 4 विकेट पेसर्स को, 10 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिलते हैं। ये मैच देखो, ये हुआ था 18 तारीख को, साउथ अफ्रीका बनाती 106, अफगानिस्तान 107 बना लेती, इस मैच को भी अफगानिस्तान ने जीता। यहां पर क्या हुआ, 10 विकेट पेसर्स को, 4 विकेट स्पिनर्स को, इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी मैच में क्या होता है कि स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेकर के चले जाते हैं, किसी मैच में आपके पेसर्स ज्यादा विकेट लेकर के चले जाते हैं, बट ये जो तीसरा मैच है यहां पर रहेगा कि पेसर्स और आपके जो स्पिनर्स होंगे लगभग बराबर यहां पर विकेट निकालेंगे, ठीक है। ना तो हम ज्यादा पेसर्स को अपनी टीम में रख करके चल सकते हैं, ना ही हम ज्यादा स्पिनर्स को अपनी टीम में लेकर के चलेंगे। बाकी ये मैच देख लो, 12 मार्च को हुआ था 2024 में, अफगानिस्तान 236 बनाती है और आयरलैंड 119 बना पाती है, 13 विकेट पेसर्स को, 5 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिलते हैं। तो भैया जो लास्ट के 3 मुकाबले अफगानिस्तान की टीम इस वेन्यू पर अपने खेली है, 3 के 3 मुकाबले जीते हैं, 3 के 3 मुकाबले अफगानिस्तान की टीम जीती है। ओके, हेड टू हेड मैचों की बात करें, 4 मैच इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं, 2 अफगानिस्तान और 2 आपकी न्यूजीलैंड की टीम जीत, माफ कीजिएगा 2 साउथ अफ्रीका की टीम जीती है। लास्ट मैच देखो जो 20 तारीख को हुआ, अफगानिस्तान 311, साउथ अफ्रीका 135 पर ऑल आउट, 177 रन से मैच को अफगानिस्तान विन करती है। गुरबाज का शतक आता है, उमर जाई के 86 रन प्लस 1 विकेट नॉट आउट थे,
रहमत साहब 50 बना देते हैं, राशिद खान साहब 5 विकेट और खरोटे के 4 विकेट। बौमा साहब के 38 रन, टोनी डीजॉर्जी के 31 रन, मार्करम 21 रन प्लस 1 विकेट, लुंगी निगडी का 1 विकेट, इसके अलावा पीटर ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला। ये मैच देख लो जो 18 तारीख को हुआ, साउथ अफ्रीका के 106 थे, अफगानिस्तान 107 बना लेती, 5 विकेट से इस मैच को अफगानिस्तान विन कर जाती है। यहाँ पर हुआ क्या था, मुल्डर के 20 रन थे, इसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्चून के 16 रन प्लस 2 विकेट, टोनी डीजॉर्जी 11 रन, मार्करम के 2 रन 1 विकेट था और यहाँ पर लुंगी निगडी ने फिर से 1 विकेट निकाला। मतलब लुंगी निगडी एक ऐसा गेंदबाज है जो लगातार मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट निकालता है और पहले भी इसने जो है लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ विकेट चटकाए हैं। तो आई थिंक लुंगी निगडी को जो है आप अपनी टीम में फिर से ट्राई करिएगा, चाहे आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो या फिर आप हेड टू हेड की टीम बनाओ। इधर देख लो यहाँ पर जो है गुलाबदीन नाइब ने 34 बना दिए थे, उमर जाई के 25 आए थे, शहीदी के 16 रन, फारूकी के 4 विकेट थे और यहां पर गजरफर के 2 विकेट थे, 3 विकेट माफ कीजिएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे भाई अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इनकी तरफ से गुरबाज, उसके बाद हसन आपको ओपन करते दिखाई देंगे, रहमत शाह हो गए, उमर जाई नजर आएंगे, शहीदी नजर आएंगे, अलीखिल नजर आने वाले, मोहम्मद नबी, राशिद खान, खरोटे के साथ साथ आपको यहां पर गजनफर नजर आएंगे, इसके अलावा फजल उल फारूकी होने वाले हैं। इनकी तरफ से मोस्ट ऑफ द ओवर की बात कर लें, फजल साहब कर रहे हैं, गजनफर करेंगे, खरोटे करेंगे, राशिद खान, इनके मेन 4 गेंदबाज हो जाएंगे। पांचवें गेंदबाज की अगर बात करें तो देखिए इनके पास मोहम्मद नबी इनके होंगे और छठे इनके जो गेंदबाज हैं उमर जाई होने वाले। तो 6 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ यहां पर जो है अफगानिस्तान की टीम इस तीसरे ओडीआई मैच में भी उतरने वाली है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर किसी से गेंदबाजी करवाएंगे, हालांकि रहमत शाह को गेंदबाजी आती है बट वो ना के बराबर चांसेस कि रहमत शाह यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो भाई ये इनके मेन 6 गेंदबाज रहेंगे जिसमें आपके 2 ऑलराउंडर जो रहेंगे उमर जाई, इसके अलावा मोहम्मद नबी, हालांकि राशिद खान को भी मैं ऑलराउंडर खिलाड़ी ही समझता हूँ, अच्छी बल्लेबाजी करते तो आई थिंक आप इनको भी ऑलराउंडर सेक्शन में लेकर के चल सकते हो और वैसे इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपकी टीम के लिए। राशिद खान साहब ने लास्ट में जो 5 विकेट चटकाए थे, वाइस कप्तान के कंटेंडर जो है इस मैच में भी राशिद खान रहने वाले हैं। यहां पर भी राशिद खान को जो है आप लोग वाइस कप्तान के तौर पर टीम में ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते बात कर लेते प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहला नाम देखिए गुरबाज का आ रहा है, 42 मैचों में 1572 रन है, 38 का एवरेज है गुरबाज का, लास्ट मैच में 105 रन बनाए हैं भाई, शतक मारा तो ट्रिपल फ्लॉप, 51, 121, 41। फर्स्ट बैट अगर आती है फिर से अफगानिस्तान टीम की तो गुरबाज चलेंगे, सेकंड बल अगर बैट आती है यानी कि चेज करने उतरती है अफगानिस्तान की टीम तो फ्लॉप हो जाएंगे गुरबाज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बैट में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे हसन, ये फ्लॉप ही, इनको मैं बैक करके भी नहीं जाऊंगा, वही 20-25 रन की पारी आ सकती है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टीम के लिए है नहीं, आराम से भाई ड्रॉप करके चल सकते हो। साथ ही साथ अगर यहाँ पर रहमत शाह की बात करें, लास्ट मैच इनका गया था देखिए 50 रन बना दिए, गेंदबाजी भी की थी, वही कंडीशन है, फर्स्ट बैट में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेकंड बल्लेबाजी मुझे इनसे उम्मीदें नहीं रहती है। उमर जाई इंपॉर्टेंट है भाई, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए, 1 विकेट भी चटकाया, 86 रन बनाए, उससे पहले 25 रन बना दिए, उससे पहले भी देखो 4 रन, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर है भाई। 52 का इनका एवरेज है, 29 मैचों में 830 रन, 19 विकेट निकाल चुके हैं भाई, आप इनको सीवीसी के भी ऑप्शन में आराम से लेकर चल सकते हो, कप्तान या फिर वाइस कप्तान के तौर पर भी अपनी टीम में इंक्लूड करके जा सकते हो आराम से। ठीक है, साथ ही साथ मोहम्मद नबी की बात करें, देखिए नबी साहब को आप जीएल में ट्राई करना हो ट्राई करो, बाकी मुझे हेड टू हेड की टीम के लिए उतने ज्यादा बेस्ट पिक नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी मोहम्मद नबी को आपको रख करके चलना यार, सीवीसी जो है जीएल में ट्राई कर सकते हो, वो एक आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, बट फिर भी रख करके चलिएगा अपनी टीम में क्योंकि कभी विकेट निकाल लेकर जा सकते हैं। राशिद खान तो वहीं इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ ही नहीं सकते हो आप, हर मैच में विकेट निकाल रहे, बल्लेबाजी का नंबर आ रहा तो रन भी आपको बना करके दे रहे, वाइस कप्तान के बढ़िया कंटेंडर है, ट्राई कर सकते हो राशिद खान को। बाकी शहीदी इनको छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, अलीखिल 27 मैचों में 375 रन है, विकेट कीपर है बट टेक करेंगे शायद नहीं करेंगे, हो सकता है गुरबाजी करें तो इनको मैं छोड़ ही करके जाऊंगा। बाकी गजफ्फर की बात करें, 4 मैचों में 3 विकेट निकाले, फजल फारूकी बैक कर लेना इस मैच में बैक कर लेना, लास्ट मैच में इसको विकेट नहीं मिले हैं, उससे पहले 4 विकेट निकाले हैं, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, कम से कम 2 विकेट इनके खाते में आएंगे आपके ड्रीम टीम में आ जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भैया बैक करके चलिएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फजल फारूकी जो है आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी खरोटी की बात करें, 3 मैचों में 10 रन 8 विकेट चटकाए भाई, यहाँ पर 4 विकेट, यहाँ पर 4 विकेट, मतलब भाई 8 ही विकेट मिले, 2 मैचों में 4-4 विकेट निकाले हैं खरोटे साहब ने, ट्राई कर सकते हो बट मुझे लग रहा है इस मैच में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपकी टीम के लिए, हो सकता है एक आधा विकेट मिल जाए बट मुझे इस मैच में थोड़े से इनके कम चांस दिखाई दे रहे हैं कि विकेट वगैरह निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। बहुमा के साथ टोनी डीजॉर्जी ओपन करेंगे, हालांकि रिजा हैंड्रिक्स भी कर सकते हैं, बाकी मार्करम, ट्रिस्टन स्टेप्स, वेंडर से, उसके बाद आपको नजर आएंगे यहाँ पर मुल्डर, फॉर्चून,
पीटर, उसके अलावा बर्गर, साथ साल लुंगी निगडी। मोस्ट ऑफ द ओवर देख लेते हैं तो फार्चून, पीटर, लुंगी बर्गर, लुंगी निगडी करेंगे, ये इनके मेन चार गेंदबाज हो जाएंगे। पांचवे इनके पास मुल्डर हैं, छठे गेंदबाज इनके मार्करम होंगे, तो इनके पास भी छह ही ऑप्शन है। सातवां ऑप्शन इनके पास भी नहीं है, तो छह ऑप्शन के साथ ये टीम भी जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं फ्रॉक से प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए रिजा हैंड्रिक की क्या कहानी है, अगर ये टीम फर्स्ट बैट में आ जाती है तो इनको एक बार मैं कहूंगा ट्राई कर लेना रिजा हैंड्रिक्स को, ठीक है। फर्स्ट बैट में अगर आ जाते हैं तो ट्राई कर लेना, बाकी सेकंड बैट में फ्लॉप हो जाएंगे फिर से। लास्ट मैच में मेरी प्रेडिक्शन थी फ्लॉप में, 70 रन बना करके आउट हो गए थे, ठीक है। तो मैं फिर से वही कहूंगा आप लोगों से, अगर ये टीम फर्स्ट बैट करती है तो फिर रिजा हैंड्रिक्स को एक बार में टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। टोनी डीजॉर्जी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, 53 का एवरेज है, लास्ट मैच में 31 ही बनाए थे, मेरी प्रेडिक्शन थोड़ा बड़ा स्कोर कर सकते थे बट फिर भी 31 बनाए। मेरे हिसाब से भैया इस खिलाड़ी को फिर से बैक करके चलिएगा, ये खिलाड़ी आपकी टीम के लिए इस मैच में अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है, खास करके सेकंड इनिंग में तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। सेकंड इनिंग में अगर इस मैच में अगर बल्लेबाजी आ गई तो ये बड़ा स्कोर करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बाकी मार्करम को रख करके जाइएगा, सीवीसी मत करिएगा, सीवीसी के कंटेंडर मुझे नहीं लग रहे हैं क्योंकि बल्लेबाजी इनसे उस तरीके की नहीं हो पा रही, हालांकि गेंदबाजी ठीक कर रहे हैं लेकिन भाई बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं कर पा रहे। लास्ट मैच देखो 21 रन, एक विकेट था, एक विकेट उससे पहले 36 रन, 0 विकेट उससे पहले, ठीक ठाक फॉर्म नहीं है बहुत, ठीक है। वो गेंदबाजी कर जाते हैं, विकेट वगैरह ले जाते हैं तो ठीक है, बाकी बल्ले से इनके रन नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल 35 का एवरेज है। बाकी ट्रिस्टन स्टेप 3 मैचों में 11 रन है, भाई अच्छी फॉर्म में था बंदा बट T20 में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ODI 3 के तीनों मैच फ्लॉप हैं भी, बट ट्राई कर सकते हो इस मैच में। GL में बहुमा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी टीम के लिए, इस खिलाड़ी को बैक करके जाइएगा। 41 मैच है, 1606 रन है, 44 का एवरेज है, ये खिलाड़ी फिर से इंपॉर्टेंट है। बहुमा, टोनी डीजॉर्जी दोनों को बैक करके जाइएगा, दोनों आपकी टीम के लिए अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं, दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद देखिए ट्रिस्टन स्टेप्स को इस मैच में जरूर रखिएगा आप लोग GL की टीम में, खास करके ट्रिस्टन स्टेप्स को जाइएगा लेकर के। GL में भाई ट्रिस्टन स्टेप्स के ऊपर भी मुझे काफी ज्यादा भरोसा है कि इस मैच में ट्रिस्टन स्टेप्स, खास करके अगर ये टीम फर्स्ट बैट में आई तो स्टेप्स का बल्ला चल सकता है, 50+ की पारी आ सकती है, ड्रीम टीम में खिलाड़ी आपका आ सकता है, ट्राई कर लेना। बाकी वेरने की बात करें, 14 मैचों में 378 रन है, बाकी 35 का इनका एवरेज है, विकेट कीपर सेक्शन में आएंगे, ट्राई कर सकते हो। मुल्डर 17 मैचों में 136 रन है, 12 विकेट निकाले हैं, मुल्डर को ट्राई कर लेना, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट मैच तो फ्लॉप ही बट उससे पहले 52 रन बनाए थे, एक भी 0 विकेट निकाला था, मुल्डर को ट्राई करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी लगभग करेंगे 7-8 ओवर, आजकल बल्लेबाजी भी इनको आती ठीक ठाक, तो फिर मुल्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं इस मैच के लिए। 14 का एवरेज हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं, बाकी ट्राई करेगा। पीटर एक मैच में एक विकेट चटकाए अभी तक, फार्चून 7 मैच में 8 विकेट निकाले, रिशभ पंत अगर देखे लास्ट मैच में फ्लॉप गए थे, उससे पहले 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट निकाला था। देखिए इनको अगर आपको ट्राई करना है तो फिर GL में ही ट्राई करो, ठीक है साहब, GL में ट्राई करोगे ठीक रहेगा। बाकी मेरे हिसाब से हेड टू हेड की टीम के लिए उतने ज्यादा परफेक्ट पिक आपकी टीम के लिए नहीं रहेंगे, वो भी अगर ये टीम मतलब डिफेंड करने उतरती है, सेकंड गेंदबाजी अगर आती है साउथ अफ्रीका की तभी रखिएगा, फर्स्ट गेंदबाजी में तो मुझे इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रहे। उसके बाद बात करें बर्गर की, 5 मैचों में 6 विकेट निकाले भाई ने, लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला है, 7 साल लुंगी निगडी, 58 मैचों में 90 विकेट इनके खाते में है, बढ़िया आंकड़े हैं। बट अगर आप देखो लास्ट मैच में जिस तरीके की इन्होंने गेंदबाजी की थी, काफी इनकी पिटाई हुई थी, हालांकि 1 विकेट तो इनको मिला था, बट भाई इस गेंदबाज ने जब जब साउथ अफ्रीका माफ कीजिएगा अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने गेंदबाजी की है, हर मैच में लगभग विकेट लेकर गए हैं। तो इस मैच में भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस खिलाड़ी को बैक करके चलिएगा, भले ही इनकी लास्ट मैच में पिटाई हुई हो बट भाई ये खिलाड़ी आपकी टीम के लिए इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके आगे बढ़ते और बात करते हैं अपनी टीम के बारे में, हालांकि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि फाइनल टीम आपको कहां पर मिलती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर लाइन अप आने के बाद, टॉस के बाद, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इस टीम की बात कर लेते हैं, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने गुरबाज को रखा है, देखिए गुरबाज तभी परफॉर्म करेंगे अगर फर्स्ट बैट में है साउथ अफगानिस्तान की टीम, तो परफॉर्म करेंगे नहीं तो फिर फ्लॉप हो जाएंगे, सेकेंड बल्लेबाजी आई तो कन्फर्म ही फ्लॉप हो जाएंगे। बाकी बैटिंग में देख लो, रिजा हैंड्रिक्स इनको छोड़िएगा, टोनी डीजॉर्जी को लेना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा करेगा। बहुमा है, रहमत शाह है, शहीदी मिलेंगे आपको। ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी, मार्करम, उमरजाई, बॉलिंग में राशिद खान, लुंगी निगडी, फजल फारूकी मिलने वाले हैं। अब कप्तान की बात कर लेते हैं, किस खिलाड़ी को आपको कप्तान करना है। देखिए उमर जाए तो भैया कैप्टनसी के ऑप्शन में आने ही वाले, इस खिलाड़ी को आराम से कप्तान बना करके चलो। बाकी आप वाइस कप्तान के तौर पर मैं इस मैच में कहूंगा कि अगर बहुमा के साथ जाइएगा, अगर ये टीम भैया फर्स्ट बैट कर ले तो बहुमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फर्स्ट बैट में आपके लिए, सीबीसी के ऑप्शन में बहुमा साहब आ सकते हैं।
तो फिलहाल भाई मेरी यही टीम है, बाकी फाइनल टीम आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।